सीवर ओवरफ्लो की समस्या से परेशान खीड़ी के पास पदम नगर के लोगों ने नगर निगम और विधायक के खिलाफ विरोध जताते हुए सेक्टर 17 बाईपास रोड को जाम कर दिया। पदम नगर के रहने वाले लोगों ने बताया कि पिछले 4 महीने से कई गलियों में सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से वहां से निकलने वाले लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि कई बार नगर निगम से शिकायत की गई है, लेकिन इसकी कोई भी सुनवाई नहीं की गई। इस समस्या को लेकर विधायक के पास भी लोग जा चुके हैं, पर अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं करवा पाया है। आज भी गलियों में चारों ओर सीवर का पानी फैला हुआ है। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे इन सीवर के गंदे पानी से निकल कर जाने को मजबूर हैं। जिन गलियों में सीवर का पानी जमा है, वहां रहने वाले लोग बदबू से बहुत परेशान हैं। लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। इसके साथ ही सेक्टर 17 बाईपास को जाम करने की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने लोगों को समझा बुझा कर वहां से रास्ते को खुलवा दिया। अब देखना होगा कि प्रशासन इस समस्या से किस तरह से लोगों को निजात दिलवाता है। साथ ही और क्या कहा लोगों ने, आइए जानते हैं पाइनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में। आज आपने जाम लगाया, किस लिए जाम लगाया? सीवरों में नालियां बह रही हैं, गंदगी बह रही है, 6 महीने हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। MCF ऑफिस में चले गए, JE के पास चले गए, SDO के पास चले गए, कहीं लिख के ले आए, एप्लीकेशन है हमारे पास सब प्रूफ है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर में परेशान हो गए, जनता सारी सड़क पे आ गई है, घर में बच्चे बीमार पड़े। नगर निगम के अधिकारियों से बात करी, उनके ऑफिस में लेटर दे के आए हैं, एप्लीकेशन दे के आए हैं, फिर क्या कह रहे हैं? कोई सुनवाई नहीं है यहाँ के। लगाएंगे कोई नहीं आ रहा। अब यहाँ पे हम सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई नहीं आके देख रहा। मैं धर्मवीर जी, मेरा नाम। आज आपने जाम लगाया, किस लिए जाम लगाया? हमने जाम लगाया 4 महीना से MCM में घूम रहे हैं। महेंद्र जेई ने हमें लिख के भी दिया 21/10/2023 को आपकी सीवर की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन कोई सुनाई नहीं। आज उससे हमने बात करी तो कहता है कि ये है वो है जी, अभी नहीं हो रहा, तुम जाम लगा लो। इस तरीका से हमने नरेंद्र गुप्ता जी के पास हो आए, उसने कोई सुनाई नहीं करी। और एक्शन से भी बात हुई, एक्शन कहता मैं का कोई जाएगा फंटी लेके जाएगा या झाड़ू लेके जाएगा, सफाई करूँगा। SDO ने भी कह दिया कि तुम्हारी मोटर लगेगी। अब मोटर जाएगा, 4 महीना हो गए लगते लगते, आज मोटर लगी तो कह रहे हैं कि हमें कनेक्शन नहीं मिल रहा। कनेक्शन कहाँ से करें? कोई बंदा एक आया सोनू का राज, कनेक्शन JE को ले गए, JE उसको वापस ले गया कि नज़दीक होगी कोई ट्रांसफार्म सही होगा तब साहब जी के जाएगा तब लगेगा। और नहीं जगह हमारा नहीं हो रहा, जितना जाम लगाना तुम जितना जाम लगा लो। समस्या कहाँ पे आपकी? सीवर की समस्या जी पदम नगर गली नंबर में 1 में शिव मंदिर, शिव मंदिर के आगे लैटरिन बाथरूम उल्टा सीधा सारा सब कुछ जगह बाहर जा रहा है। उनकी वीडियो वगैरह सारी कुछ बना ली, भेज दी हमने, सब कुछ भेज दिया हमने उनके पास, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, जनता परेशान है। जी आपने जाम लगाया, किस लिए जाम लगाया? ये लगाया ये 6 महीने हो गए, दुकान के आगे घर के आगे बिल्कुल ना डटे जा रहा, इतना पानी है। कहाँ पे भरा हुआ पानी? यहाँ गली नंबर 1 में पदम नगर। तो आपने क्या नगर निगम को? यहाँ DC ऑफिस भी गए और यहाँ डेयरी पे बताया इसका, वहाँ भी गए, तब भी गए, हो के आए। उसके नाम अधिकारी क्या कह रहे हैं आपसे? वहाँ देना था, वो मिले नहीं है अब तक। फिर उन्होंने कह दी कि हम 2 दिन का टाइम दो, आज 1 हफ्ता हो गया हमें वहाँ देख देख के। बाद फिर सवेरे 6 बजे भी यहाँ आए, फिर वापसी चले गए, कोई सुनवाई नहीं है। क्या चीज़ी? अभी इस समस्या को लेकर मेरे भी संज्ञान में लगभग 8-10 दिन पहले पदम नगर वासियों ने मुझे बुलाया था, मेरे परिवार के लोग हैं, इन्होंने बताया था कि सरकार में जो नुमाइंदे हैं नरेंद्र गुप्ता यहाँ से विधायक है, उनसे भी कहा हमने, नगर निगम के कर्मचारियों से भी लगातार ही मिलते रहे हैं। लेकिन जब मैं आया तो मेरे परिवार के लोग, मैंने भी इनसे कहा भी मैं भी सरकार तो हमारी नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो नुमाइंदे वो तुम्हारे भाई बंद है। तो मैंने JE से SDO से लगातार संपर्क मिला, उन्होंने मेरे से आश्वासन दिया चेयरमैन साहब 2-3 दिन में ये आपकी मोटर लग जाएगी वहाँ। तो अभी जैसी ये मोटर लगाने नगर निगम के कर्मचारी आए हैं, इनसे मेरी बात हुई है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मोटर है ये कनेक्शन 3 फेज का, और वो जो एक फेज का है। तो ये अभी मेरे आने के बाद कह रहे हैं जी आप आ गए हो, और आप अभी हम एक केबल ले आएंगे यहाँ से पीछे से कनेक्शन करके, इससे इस समस्या का समाधान हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो नगर निगम के कर्मचारियों ने हमारी बात सुनी, इनका धन्यवाद, और लोगों की समस्याएँ मैं आगे उठाता रहूँगा और समाधान कराता रहूँगा।